हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर की एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। और इस प्रोसेस में अगर आप पनीर को बनाएंगे तो इसका स्वाद बिल्कुल होटल जैसा आएगा। और साथ ही साथ आज मैं बताने वाली हूँ पनीर कैसे सॉफ्ट रहेगा और इसे अगले दिन भी कैसे हम लोग बना सकेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 250 ग्राम पनीर, और मैं पनीर को बड़ा साइज में काटी हूँ। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा काट सकते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ली हूँ एक मीडियम साइज का बॉयल आलू। तो अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, और पनीर के साथ हम लोग आलू में भी नमक ऐड कर देंगे। और नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो आलू और पनीर दोनों में ही हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम पनीर में ऐड करेंगे एक छोटे चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और आप लोग अगर अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब एक स्पून की मदद से या हाथों की मदद से हमें इस सबको मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है ये सिर्फ हम लोग पनीर में ऐड करेंगे, और हमारा जो आलू है उसे हम नमक और लाल मिर्च के साथ ही मैरिनेट करेंगे। तो अब आलू और पनीर को मैरिनेट करके 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अब इसे हम रख देते हैं रेस्ट होने। और इसके अलावा हमने लिए हैं ग्रेटेड प्याज और ग्रेटेड टमाटर। आप चाहे तो प्याज और टमाटर को मिक्सी में भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से इसका स्वाद और भी अच्छा होता है। तो अब चलिए इसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक कढ़ाई, उसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाए तो जो हम लोग का बॉयल आलू है वो इसमें फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम में रख के हम इस सबको फ्राई करेंगे। और कुछ मिनट फ्राई करने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे। फ्रेंड, मेरे इस चैनल पे आपको और भी कई सारे पनीर रेसिपी मिल जाएगा। मैं उसका लिंक आई बटन में ऐड कर दूंगी, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो आलू को फ्राई करने के बाद इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे पनीर को हम 30 सेकेंड से ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किए हैं उसका कच्चापन निकालने के लिए इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे 30 सेकेंड से ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा और रबर जैसा लगेगा, तो इसलिए कभी भी आप पनीर को ज़्यादा ना फ्राई करें। तो पनीर को निकालने के बाद इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे क्रश किया हुआ इलायची और कुछ लौंग, और फिर हम ऐड कर देंगे ग्रेटेड प्याज। और प्याज ऐड करने के बाद इसे हमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, और प्याज से पानी निकल आए और जल्दी फ्राई हो जाए इसके लिए हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और इसे कंटिन्यू गैस का फ्लेम मीडियम में रख के 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन करके फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई करने से प्याज से बेरिस्ता का स्वाद आएगा और हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके जल्दी से इसे कवर कर देंगे। इस तरह फ्राई करने से प्याज हमारा जल्दी ही बॉयल हो जाएगा और हमारा जो ग्रेवी है बहुत ही क्रीमी बनेगा, और साथ ही साथ इससे ग्रेवी में एक कलर भी आ जाएगा। तो अब हम जो ग्रेटेड टमाटर है वो भी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे। और टमाटर को भी हमें 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू पकाते रहना है। और कुछ मिनट इसे पकाने के बाद जब इसका कच्चापन निकल जाए तब हम इसमें धीरे धीरे मसाला ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, फिर ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, उसके बाद जाएगा धनिया पाउडर, साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और काला नमक। और फ्रेंड, यहाँ पे जो काला नमक ऐड किए है ना उससे ग्रेवी में एक चटपटा सा स्वाद आएगा। तो मसाले को हम कुछ मिनट फ्राई कर लेंगे, उसके बाद जब मसाले से तेल छोड़ने लगे तब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप जितना ग्रेवी चाहे उतना पानी ऐड करें। अगर आप इसे राइस के साथ खाना चाहे तो ज़्यादा पानी ऐड करें, और रोटी के साथ खाना चाहे तो कम पानी यूज़ करें। तो इसे उबालने के लिए छोड़ दें, और जब उबाल आ जाए तब इसमें हम फ्रेश धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे, और फिर जो फ्राई किया हुआ आलू और पनीर था वो भी इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और फ्रेंड, आप इस तरह से ग्रेवी को ज़्यादा से ज़्यादा बना के फ्रिज में स्टोर करके रख के अगले दिन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कुछ मिनट इसे उबालने के बाद जब इसका ग्रेवी थिक हो जाए तब हम इसमें चुटकी भर गरम मसाला ऐड करके इसे फिर से मिला लेंगे, और फिर गैस ऑफ करके गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आज का ये रेसिपी आप सबको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। लेकिन जाने से पहले आप स्क्रीन के राइट और लेफ्ट साइड में जो पूरी देख रहे हैं वो इस पनीर के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आप लोग ये दो रेसिपी को जरूर देखें, आशा करती हूँ अच्छा लगेगा। थैंक यू।